दादूराम याद है? एक संत थे दादूराम जी, उनके ऊपर गुरुजी ने एक ड्रामा किया था। उसमें एक ऐसी लय फंस गई थी जहाँ ये सब चीजें कर, तो उसकी कुछ चीजें याद रह गई हैं। दिन दिन दा दिते दा दिन नहीं कर रहा हूँ, साधारण है पर साधारण नहीं भी है। दादा दीना दा दीना दादा दीना दा तेरे की दादा दीना तेरे दादा दीना दादा तेरे दादा दीना दादीना तेरे दिन दादा ना पर ही समझे करते थे। तो उन्होंने एक परमेलू सिखाया, उसमें वो आँचल की गत डाली, तो उस परमेलू के साथ उस आँचल की गत को लेकर चलता है। ता 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 दी ग ता दी ग ता 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 दी ग ता 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 दी ग ता 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 रंग ता धूंग ता की ता धूंग धरी की ना धूंग धरी की ना धूंग धरी का धरी धरी की ना धरी को धरी थे ता ता की ता दे ता दे ता दे
नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं धीरेंद्र तिवारी जी, कथक का जाना माना नाम है। पिछले हिस्से में हमने उनके कथक के सफर के चुनौतियों पर बात की। इस हफ्ते उनके गुरु और इस देश के जाने माने कथक कलाकार राजेंद्र गंगानी जी के बारे में बातचीत, वो कैसे सिखाते हैं इस बारे में बातचीत, और उनसे कैसे हुआ था परिचय कह लें या कह लें कैसे हुई थी नृत्य सीखने की शुरुआत, इस पर बातचीत इस दूसरे हिस्से में। अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज के दौरान कलाकारों से उनके गुरुओं पर भी बहुत विस्तार से बात करते आए हैं, और आपके गुरु तो मेरे भी बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। मेरे भी क्या मतलब पूरे कथक की जो पॉजिटिविटी है, या बिल्कुल आप बड़े पर्सपेक्टिव में जाएं तो नृत्य की जो पूरी की पूरी दुनिया है, बहुत सम्मान से लोग उनको नाम लेते हैं, बहुत ही सहज पंडित राजेंद्र गंगानी जी। आप कैसे मुलाकात हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो आपके गुरु बने, तो कुछ याद आता हो आपको? जी, मैंने जब आगरा में स्वाति जी का प्रोग्राम देखा और उन्हें पैर से कायदा नाचते देखा, तो मैंने कायदा पैर से कौन नाच सकता है, तो बड़ा खुश हुआ। और मैंने यहाँ से एक पत्र भेजा गुरुजी को उनका ब्रोशर से देखकर। वो मेरे गुरु तापस भैया ने मुझे ब्रोशर दिखाया, उनके हाथ में था, तो वहीं से एड्रेस ढूंढ डाल के या कहीं चुरा कर मैंने एक पत्र तो भेज दिया। वहां से मेरी गुरु बहन थी, आज जो आप बहुत बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, आचार्य प्रतिष्ठा, उन्होंने मुझे एक पत्र का उत्तर भेजा जिसकी पहली लाइन थी, श्री और धीरेन्द्र गुरुजी आपसे मिलना चाहेंगे, बेहतर आप यहीं आ जाए। बस इतना ही उत्तर था और मैं दौड़कर चला भी गया। मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई, गुरुजी से मैंने कहा सीखने की इच्छा रखता हूँ। गुरुजी ने बहुत अधिक बात नहीं की, उन्होंने उस समय स्वाति दीदी वहीं बैठी हुई थी, उनको उनके हवाले मुझे कर दिया, और दीदी मुझे अपने घर खान मार्केट ले जाती थी, वहां सिखाती थी, फिर गुरुजी के पास छोड़ देती थी, दीदी ले जाती थी छोड़ देती थी, रोज इस तरह से रहा। मैं दो तीन बार आया, लेकिन दो तीन बार आने के बाद गुरुजी को शायद लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उन्होंने सीधे कह दिया बेहतर है यहाँ एडमिशन ले लो। अब जो मैंने रुचि दीदी और भैया के पास जो मैंने सीखा, तो गुरु शब्द का मान रखना, गुरु सेवा को रखना, वो सबसे पहले उन्होंने यही सिखाया था, और ये मेरे लिए बड़ा एक शब्द हो गया था गुरुजी का, उन्होंने कह दिया अब तो ये करना ही है, वो शुरू से ही था। और मैं बस बोरी बिस्तरा उठाया और चलिए दिल्ली, और कहता केंद्र में एडमिशन ले लिया मैंने। सो इस तरह से मेरा यहाँ आना हुआ। और गुरुजी के पास आने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी चीज जो अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, गुरुजी आपकी नैसर्गिक प्रतिभा है। एक होता है सिखाना कि इतने इंच हाथ उठा लो, इतने वो मूवमेंट कर लो, ऐसे लय लगा लो, उसके अतिरिक्त गुरुजी आपके अंदर की जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, एक हर एक व्यक्ति का एक बेसिक इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, बुनियादी संरचना होती है, बुनियादी सोच होती है। मैंने कहा ना जेनेटिक्स आपका एक अपना अलग होता है, आप अपना एक अपने आप में खुद एक सेपरेट एक खास जीवन है, तो उस जीवन के उस व्यक्ति के वो बेसिक इंस्टिंक्ट पर उसको पहचानते हैं गुरुजी और उस पर लेकर काम करते हैं। डांस सिखाना एक अलग है और व्यक्तित्व को देखना, उसके व्यक्तित्व पर काम करते हैं गुरुजी। तो ये मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आने लगा था, लेकिन अभी शायद मेरे पास शब्द हैं उस बात को कहने के लिए। तो ये मेरी गुरुजी के पास एजुकेशन बहुत खास रही, शायद ये कहते हैं किस्मत हर कोई लिखा कर नहीं आता है, या लिखा कर आता है तो मेरे जैसा हो जाता है और गुरुजी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, कथक केंद्र में तो धीरेन्द्र जी और भी गुरु आते हैं और बड़े नामी गिरामी गुरु भी आते हैं। मैं ये प्रश्न पूछकर आपको फंसाऊंगा नहीं या उलझाऊंगा नहीं कि आपने राजेंद्र जी से ही क्यों सीखा, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं कि आपने चिट्ठी लिखी, उन्होंने स्वीकार किया आपको क्या, लेकिन राजेंद्र जी में ऐसा क्या खास है जो आपको, और हालांकि इसका भी जवाब आपने दिया बहुत अभी बहुत ही मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से कि गुरु जी किसी को अगर कथक सिखाना है तो ऐसा नहीं कि ये हाथ होना चाहिए, हस्तमुद्रा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा था, बल्कि जो उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको वो खोज लेना और उसको निकलवा लेना। लेकिन ये सहजता जो उनकी है, ये मतलब अगर किसी ने उनका नाम सुना हो, और मान लेते हैं जैसे हम
इस सवाल को कैसे पूछें? जैसे मान लीजिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति है जो उनकी शक्ल से परिचित नहीं है, जिसने उनके घूंग मतलब उनके लेकिन शक्ल से परिचित नहीं है तो नृत्य कैसे देखेगा? ये सवाल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कैसे अलग है वो गुरुओं से, और क्या उनकी सहजता जो है, जिस सहजता से वो मिलते हैं लोगों से, वो उनको एक गुरु के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी बनाती है, बहुत बड़ा कलाकार भी बनाती है? देखिए, किसी व्यक्ति को कोई ठीक करे या पहचान सके, वो उसी उस व्यक्ति को तभी पहचान सकता है जब उसने खुद को पहचाना हो बेहतर तरीके से। आपके लिए कंपैरिजन का एक पैरामीटर होता है, एक उसका एक उस पैरामीटर वो क्या होता है, आप खुद होते हो किसी से कंपेयर करने के लिए। तो मुझे हमेशा से महसूस हुआ है गुरुजी ने खुद पर बहुत काम किया है और खुद को बहुत अच्छे से पहचाना है। और दूसरी चीज, उनका एक किसी भी व्यक्ति के लिए एक और चीज काम करती है, सरेंडर। उन्होंने अपने गुरु को यानी अपने पिता को गुरु के रूप में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आज भी वो कहते हैं कि हाँ ये बना तो है, पर रिसोर्सेस तो यही है, इन्हीं ने बनाया है, इन्हीं ने किया है। हालांकि उनका खुद का योगदान इतना अधिक है नृत्य के क्षेत्र में, पर वो सब कुछ उनको अपने पिताजी को या गुरुवर को, मेरे बड़े गुरु जी को, दादा गुरु जी, गुरुकुंदन जी को समर्पित करते हैं। तो उन्होंने खुद को इतना पहचाना है, जो खुद को व्यक्ति पहचानता है वो अगले व्यक्ति के सांस से भी पहचान सकता है कि ये इतने पानी में है। ये गुरु जी की शुरू से ही मुझे बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, और बाद में ये बात को मैं बहुत अच्छे से मेरे मन में प्रतिष्ठित हो गई कि हाँ, गुरु जी व्यक्तित्व को देखकर ही सिखाते हैं, समझाते हैं। एक क्लास में एक तोड़े को नाचते हुए भी या कराते हुए भी उसमें भी वो भेद इस तरह से कर देते हैं कि वो व्यक्ति उसे अपने ऐसा अनुसार अपना सकता है। ये गुरु जी की खासियत रही। और मैंने ये फिर कहा कि जो व्यक्ति खुद को समझता है तो दुनिया को समझता है, और वो व्यक्ति सहज ही होगा। जो अगर खुद को समझेगा सहज ही होगा। जो दो शब्द हैं अंग्रेजी के, इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव और प्रेरणा। तो वो किसी के इन्फ्लुएंस प्रभाव में काम नहीं करते, प्रभाव में नहीं आते, जहां तक मुझे अंदाजा है। उनका अपना जो अपने अपना आपको कहते हैं ना, वो कि दूसरों की क्या मिसाल दो, खुद में ऐसी मिसाल बन जाओ। तो गुरुजी ने खुद को अपने आप को मिसाल के रूप में कायम कर दिया है, तो उनको किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता आराम से। तो वो इसलिए सहज रहते हैं, जिसको प्रभाव पड़ेगा उसको अहम आएगा, वो दिखाएगा कि मैं ये हूँ कि मैं वो हूँ। जो प्रभावित व्यक्ति होंगे, आज इससे प्रभावित, कल उससे प्रभावित, परसों उससे प्रभावित, पांच किताब पढ़ कर प्रभावित, पांच व्यक्तित्वों से मिलकर प्रभावित, पांच लोगों का डांस देख के प्रभावित, जो खुद में होगा वो प्रभावित आराम से नहीं होता है, प्रेरित होता है इन सबसे। तो मुझे गुरु जी का लगता है वो इसीलिए शायद सहज हैं, क्योंकि उन पर आराम से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने सवाल जितना खराब तरीके से गढ़ा था उतने ही अच्छी तरीके से आपने उसका जवाब दे दिया, तो बैलेंस हो गया। वैसे मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे रविंद्र जैन थे, अब वो जी कबीरदास को की आवाज को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में, मुझे याद आ रहा है, कहा था कि अगर उनकी कभी उनकी आंखें होती तो वो जिस व्यक्ति को सबसे पहले देखना चाहते वो येसुदास होते। तो मैं इस वाह तरह की जो के जो गुण होते हैं ना, मतलब आपको शायद कई बार वो गुण देखने की जरूरत नहीं है, वो महसूस हो जाते हैं। तो उन गुणों की तरफ बात करना चाह रहा था, जो हालांकि आपने बहुत अच्छे से बता ही दिया। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है मेरा धीरेन जी, आप चूंकि मैं एक मिनट कह दूं, आपने एक मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिशियन है रविंद्र जैन जी, जिनका आपने नाम ले दिया, और शायद वन ऑफ द बेस्ट उस समय के, जो जब कहते हैं ना ब्रिज बन रहा था संगीत का, जो 80s to 90s, 90s to 2000, उस समय के वो, मुझे उनको मैं बड़ा मन से प्रणाम करता हूँ, मानता भी हूँ। जी ये आगे, बिल्कुल सॉरी। करिश्माई संगीतकार थे। मतलब आप फिल्म में संगीत देख लीजिए, आप धारावाहिकों में जो उनका संगीत है, मतलब वो जी मतलब क्लास थे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और मतलब जी सोचिए, कई बार जिंदगी कितनी चुनौतियां आपके सामने खड़ी करती है, लेकिन आप कैसे उन चुनौतियों से पार पाकर भी आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ हम लोग, छोटी सी चोट लग जाए तो लगता है कि यार अब क्या हो गया, ये भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। बिल्कुल चलिए, खैर अब बात छिड़ गई है, तो मैं सब्सक्राइबर्स जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको यही बता दूं कि चोट से आ गया धीरेन जी के गुरु और पंडित राजेंद्र गंगानी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको भी एक बार बहुत भयानक चोट लगी थी।
डॉक्टर्स ने यहां तक कहा था कि अब नृत्य करने के बारे में छोड़ दीजिए आप सोचना। अभी भी गुरुजी जब चलते हैं, आप अगर उनकी चाल देखेंगे तो उस चाल में आपको हल्का सा एक दिखाई देगा कि ये हाँ सहज चाल नहीं है, लेकिन जब वो नृत्य करते हैं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मतलब क्या हो रहा है, कौन सा जादू, कौन सा करिश्मा हो रहा है। खैर वो आप आजकल तो YouTube पे सब कुछ उपलब्ध है, आप जाइए जी, और मैं उस समय का साक्षी हूँ और पूरे 22 दिन मैं गुरु जी के साथ अस्पताल में था, 24 घंटे। जी, वो उस समय का मैं बहुत अच्छे से साक्षी हूँ। और मुझे लगता है वो बहुत ही हम सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही तकलीफ का समय था, पर सबसे अच्छा सीखने का समय था वो हमारे लिए, क्योंकि उस समय मैंने सबसे ज्यादा गुरु जी को सुना है। और नाच बनाने में सुनना बड़ा योगदान देता है, कोई भी कला को बनाने में। तो वो समय मेरे लिए एक हीरे के जैसा था, लेकिन गुरु जी के लिए वो बहुत तकलीफ दे समय था, मैं समझ सकता हूँ। और उस समय की प्रेरणा ऐसी रही कि 2008 में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मैंने भी डांस छोड़ा, लेकिन जब मैंने देखा यह मुझसे भी बड़ा इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद ये इस तरह से खड़े हुए, तो मेरा तो क्या है, मुझे खड़ा होना ही है। तो वो प्रेरणा मेरे लिए रही गुरु जी का, वो एक्सीडेंट था जो दुर्घटना गुरु जी के साथ में। तकलीफ दे हमेशा रहेगी, लेकिन हर एक घटना एक सीख लेकर तो जरूर आती बिल्कुल। और ये जानकारी मुझे नहीं थी आपकी चोट वाली बात, ये आपने नहीं बताई। और खैर अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा थोड़ा हमेशा मुश्किल होता है, मैं फंस जाता हूँ। बाकी तो बहुत जगहों पर हिंदी बहुत अच्छी भी प्रयोग अंग्रेजी में होती है, आने ब्लेसिंग दीजिए। इन डिसगाइज जो कहते हैं ना, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज यही है कि चोट लगने पर भी आप वहां पर अगर वहां से कुछ सकारात्मक निकाल कर ले आए, तो शायद यही गुरु जी ने भी किया है और यही आपने भी किया है। वीरेन जी, मुझे ये बताइए कि जब गुरु जी के साथ जब आप सीखे, और उसके अलावा जो बाकी गुरुओं के साथ आपने काम किया, चाहे वो जयकिशन जी हो, चाहे अदिति जी हो, आप बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने काम किया है जिनका परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर कथक केंद्र से भी रिश्ता रहा है, उनके साथ जब जब गए और उनके साथ कुछ नया करने की शुरुआत हुई, तब भी विजन यही था कि यहां से भी कुछ सीख लूं, या लगता था कि नहीं नहीं सीखा है तभी तो इन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे मौका दे रहे हैं? थॉट प्रोसेस क्या होता है? जी देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज होती है, पहले एक वो जो समय था उस समय एक तलाश होती है कि जो मैं सीख रहा हूँ या मैं जो रियाज कर रहा हूँ वो कहाँ प्रस्तुत करूँ। तो वो एक पहला जो हिस्सा होता है, बहुत ऑनेस्टी बोलूंगा कि मुझे सीखना है ऐसा ऐसा वाला नहीं था, पर पहला ये था कि मौका मिले मुझे करने, तो वहां मुझे मौका मिलता था। ये बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं बहुत अतिशयोक्त बातें करूँ कि मैं सीखने जा रहा हूँ, उनसे सीखने को मिला, लेकिन आप कहीं भी जाते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बड़ा एक्टिव रहता है। जब आप सीख सुन रहे होते हैं तो वो सब अंतर में जा रहा होता है, और मेरी चेतना उस समय बहुत ठीक थी, जहां तक मेरा कॉन्शियस माइंड बड़ा स्ट्रांग था, मैं जो कुछ भी सीखता था वो अच्छे से सबकॉन्शियस में स्टोर कर पाता था। तो मेरा उनसे सीखना बहुत हुआ, मेरा सबसे पहला सीखना समझना हुआ गुरु गीतांजलि लाल जी के पास में। मैं उनका हमेशा से योगदान मानता हूँ अपने उसमें, कि उनके पास मेरे मैंने बहुत कार्यक्रम किए, और उनकी जो लय की सोच और कोरियोग्राफी का तरीका वो मेरे लिए बड़ा ही नया था, बहुत अच्छा लगता था दीदी के पास मुझे। उसके पश्चात मैं दीदी के ही, गीता दीदी के एक प्रोग्राम में एक परफॉर्म कर रहा था पुराना किला में, तो गुरु अदिति मंगलदास जी ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे फिर अपनी कंपनी में बुलाया और मैंने वहां भी काम करना शुरू किया। और शायद मुझे लगता है मेरे नृत्य में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उन्हीं का है, और वो मेरे लिए गुरुतुल्य हैं, गुरुतुल्य रहेंगी हमेशा। और मुझे लगता है मेरे गढ़ने में भी, मेरी सोच में भी, जैसे मैंने कहा था ना जेनेटिक्स बदलना, उसको बदलने में उनका बहुत योगदान है। वो भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व है जैसा आप, वो भी व्यक्तित्व को पहचानती है, कौन स्टोर सही कर रहा है उनकी एजुकेशन को वो बहुत अच्छे से समझती है। तो उनकी एजुकेशन को मैंने अच्छे से स्टोर करने की कोशिश की, और उनके जो विचार है मेरे व्यक्तित्व से मुझे लगता है बहुत मेल खाते हैं शुरू से। तो अदिति दीदी का सबसे ज्यादा योगदान मानूंगा। इसके अलावा गुरु कुमुदिनी लाखिया जी के पास गया, उन्होंने उनको नृत्य करते तो नहीं देखा, लेकिन उनके वर्ष शब्दों से ही नृत्य बदल जाता है, जिस तरह से वो स्पेस की बात करती है। नृत्य में स्पेस कहाँ है? स्पेस सिर्फ स्टेज नहीं है, स्पेस आपके चारों तरफ है, आप एक पेंटिंग का ब्रश है, और आपको वो कैसे देखना है, उनका वो तरीका जानने पहचानने का,
फिर मैंने एक और देखा कि भाव सिर्फ अंग या पैर से या मुखज से ही नहीं होता है, भाव लय में होता है। लय किस प्रकार से अपना भाव को व्यक्त करती है, दुख भरी में किस तरह से राग वगैरह बदल जाते हैं या सुख में किस तरह से बदल जाते हैं, उसी तरह से लय किस प्रकार से बदल जाती है, उसका स्वरूप क्या हो जाता है। और मैं सच बताऊं, नृत्य निर्देशन कोरियोग्राफी में मुश्किल सब विषयों का, चाहे वो प्राचीन विषय हो या नए विषय हो, उसमें शमा भाटे, गुरु शमा भाटे जी का मुझे मेरे नाच में बहुत योगदान आया बाद में। और मैं अभी भी गुरुजनों के साथ काम करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक सोलो तो है जीवन, लेकिन इन लोग के सानिध्य में या ग्रुप कोरियोग्राफीज में रहकर इन गुरुओं के विचार, इन गुरुओं की सोच, इन गुरुओं का किस तरह से इवॉल्व इन्होंने किया है, पहले इन्होंने कैसे देखा था या अभी कैसे देखते हैं, वो खुद बात भी करते हैं, तो उससे भी अपने आप को क्या फायदा मिल सकता है। सिर्फ नाच सिर्फ बंदिशों तक सीमित नहीं है, या चार बंदिशों तक या चार तोड़ों से तक टुकड़ों तक, और उस तरह से वहां तक सीमित मुझे कभी नहीं लगता नाच या कोई भी शिक्षा, उसके बाहर जाकर है शिक्षा। तो इन गुरुजनों से मुझे वो भी सीखने समझने को बहुत मिला। जो भी रागगिरी के सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अभी जितने नाम लिए धीरेंद्र जी ने, ये सब कथक के बहुत दिग्गज नाम हैं। जरूर जाइए इनके बारे में, ढूंढिए, पढ़िए, देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको वाकई दुनिया में बहुत प्यार और सम्मान मिला है। खैर, आपने बहुत ईमानदारी से चूंकि पिछला जवाब दिया धीरेंद्र जी, तो मेरी ये हिम्मत हो गई कि मैं पूछूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं पहले कि शास्त्रीय संगीत या नृत्य जो है बहुत विशाल एक सागर है जहां बहुत कुछ सीखने को है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये सीख लिया, लेकिन कोई स्टेज तो आती होगी जहां पर आप ये कहते होंगे कि हाँ, मुझे मुझे कथक आता है, मुझे इतना कथक आता है कि मतलब ये कहने की नौबत ना आए कि जो थोड़ा बहुत सीखा है, जो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। ये बहुत सारे कलाकार अक्सर ऐसा बोलते हैं। आप सहमत हैं इस थॉट से, खासतौर पर जब छोटे बच्चे जाते मैं हैं? बहुत ज्यादा सहमत हूँ इससे कि वो जो थोड़ा सा वो मॉडेस्टी ना, एक लिमिट होती है उसको, थोड़ा सा आप अपने अनुभवों को खुद को दरकिनार नहीं कर सकते, समर्पण कर सकते हैं आप गुरु को, क्योंकि उसकी वजह से है ना, उनकी सभी वोकैबुलरी उन्हीं के पास से आई हुई होती है। गुरुजनों को मैं गुरु जी को समर्पित कर सकता हूँ, मैं अदिति दीदी को समर्पित कर सकता हूँ, क्षमा ताई को और गीता दीदी को, मोदी जी को मैं समर्पित कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपको अपने अनुभव के बारे में खुद को पता होता है। तो मॉडेस्टी जो थोड़ा सा आता है, दो ग्लास पानी पीने के बाद, तीन आवर्तन निकालने के बाद, फिर एक थोड़ा करना, उससे मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा, मैं आपको सच बताऊं। मैंने शायद अभी स्टेज पर बात करना शुरू किया होगा, उससे पहले मैंने कभी बात भी नहीं की थी। अब मुझे एक दो प्रोग्रामों के बाद वो कहते हैं ना, वो आ जाते हैं क्रिटिक्स के, कि आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश ना करें, आप बातें ज्यादा ना करें। अभी की बात है, एक दो साल पहले की, मैंने वो भी छोड़ दिया, फिर से वापस उसी भरने पे आ गया। तो मुझे हमेशा से परेशानी रही है कि मॉडेस्टी एक लिमिट होती है, आप अपने अनुभवों को कमतर कर रहे हैं, और जैसा आप दिखाएंगे वैसे ही दिखेंगे, तो इसके लिए आप ये झुकना तो नहीं कहूंगा, झुकना तो सहज, तो जैसे कला कला बढ़ती जाएगी, अपने अंदर आती जाएगी और आप अपने आप को पहचानते जाएंगे, आप झुकते जाएंगे। झुकना और मॉडेस्टी दोनों एक अलग अलग चीज है ना, बेंट डाउन होना, और एक मिलिट्री वाला चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, इसका मतलब ये नहीं उसमें दम्भ है ना। तो वो मुझे लगता है कलाकार होने के नाते कला आपकी एक बहुत बड़ी हाथी है जिसको आपको सहेजना है और उसके अनुभवों को समेटना है, उसको मॉडेस्टी के तौर पे बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे 19 साल हैं तो मेरे पास, मुझे, मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैंने 19 साल तरीके से दिए हैं नृत्य को, और ये इतना आता है, मुझे इससे ज्यादा भी आता है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गुरु जी, उन्होंने अच्छे से भरा है, अच्छे से संभाल के भरा है मुझे। बिल्कुल, गीतांजलि दी के बेटे जो हैं अभिमन्यु जी, उनसे बात कर रहा था। मैंने ना उनसे ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने तो बहुत साफ साफ कहा कि अगर कोई ये कहता है कि जो थोड़ा बहुत सीखा है तो उसको मना कर दीजिए कि मत करो स्टेज पे डांस। भाई थोड़ा बहुत ही क्यों देखने आए हैं, हम तो पूरा डांस देखने बहुत आए। अच्छा, हाँ बोले पूरा। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर मेरी कुछ गलती हो तो वो मेरी है, और यार गलत कर रहे हो तो थोड़ा और सीख लो पहले, गलत कर रहे हो तो स्टेज पे क्यों करने आए हो, मतलब हर प्रोग्राम से पहले ये कहना कि अगर थोड़ी जो गलती है वो मेरी है और जो अच्छा है वो गुरुओं का है। बिल्कुल सही कहा आपने, मॉडेस्टी होनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन
कहीं ना कहीं इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि सामने दर्शक ईदगाह में बैठे लोग डर ना जाए कि आप आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि 70 साल से ये बजा रहा हूं लेकिन अभी तक फला इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख ही रहा हूं। तो वो डराता भी है। देखिए समय कैसे निकल गया, और आज तो हम लोग नृत्य के बहुत सारे पक्षों पर बात ही नहीं कर पाए, आपकी कहानियों में इतना आनंद आने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला और मैं ढेर एक बात कहूं कि नृत्य के पक्ष की बात है, मुझे लगता है उसे लोगों को देखकर डिसाइड कर देना चाहिए, करना चाहिए ना। काम को देखकर आप आती है ना, मतलब फिर बात करूंगा, मैंने इतना नाच किया, मैंने उतना किया, मैंने फलानी चीज को ऐसे देखा और मैंने इतना सोचा उसके विषय में, फिर मैंने इतना आविष्कार किया। आप देखिए, उससे आकलन कीजिए, बेहतर ये बातें खास बहुत बहुत है। धन्यवाद। जी।